म्यूजिक एक काफी डिफरेंट चीज़ है hmm. क्रिप्टो अपने आप में बहुत यूनिक चीज है totally. तो वो जर्नी अगर आप थोड़ा शॉर्ट में बता सकते कैसे तय वर्किंग विद जी म्यूजिक सोनी टी सीरीज ऑल द लेबल्स फिर अपना भी म्यूजिक लेवल स्टार्ट किया हमने तो बहुत चीजें की फ्रॉम 2016 थाउजेंड सिक्सटीन टू टू जितने hmm. भी सॉन्ग्स निकाले ओवर 60 70 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब तो उसके बाद फिर साथ साथ क्रिप्टो भी चल रहा था एंड देन वी हैड अ बिग स्विच

लॉस तो उससे भी डबल ट्रिपल हाँ। का हुआ है 1.5 1.4 1.5 सीआर हां तो अभी तक का मीम कॉइंस में से आपने हाईएस्ट कितना पैसा बनाया होगा सो so भाई अगर इस सीजन की बात करें अभी जो सीजन है 1 मिलियन मार्केट कैप आपके आसपास हमने लिया था अगर रुपीस में बात करें 10000 रुपीस लगाया होता तो एक हफ्ते 8 दिन के अंदर 10 लाख बन गया होता वो क्रेजी है अभी आपने रिसेंटली 10x 100x वाले मीम कॉइन भी ढूंढे हैं तो आपने कैसे वो मीम कॉइंस ढूंढने कितना प्रॉफिट बनाया क्या आपकी स्ट्रेटजीज थी

मैं इनमें पोजीशन बनाता हूँ दैट इज इथेरियम अभी तक उसने रैली नहीं देखी है नहीं। दस हजार रुपए पचास हजार रुपए से कोई बंदा क्रिप्टो में मिलियनर बन सकता है क्या

अगर आप अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें तो काफी अच्छा लगेगा सो हेलो गाइज एंड थैंक यू सो मच ब्रो फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर चैनल एंड तो आज बहुत सारी बातें करेंगे रिगार्डिंग क्रिप्टो एंड कुछ डीप चीज़ें रिवील करेंगे यहाँ पे क्रिप्टो के रिगार्डिंग सो बेसिकली जैसे सुजल ने बोला माय माय जर्नी स्टार्टेड विद म्यूजिक एंड आईव बीन अ म्यूजिशियन सिंस चाइल्डहुड जब मैं क्लास थ्री फोर में था तब से मैं परक्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूँ सो so, वहाँ से सब इंस्ट्रूमेंट्स करते करते स्कूल बैंड उसके बाद फिर प्रॉपर म्यूजिक में मैंने स्टडीज भी की है साउंड इंजीनियरिंग एंड देन वर्किंग विद जी म्यूजिक सोनी टी सीरीज ऑल द लेबल्स फिर अपना भी म्यूजिक लेबल स्टार्ट किया हमने तो बहुत चीजें की फ्रॉम टू 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 जितने भी सॉन्ग्स निकाले ओवर सिक्सटी सेवेंटी मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब तो उसके बाद फिर साथ साथ क्रिप्टो भी चल रहा था एंड देन वी हैड अ बिग स्विच तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये अभी तक की सबसे ज्यादा वैल्युएबल पॉडकास्ट होने वाली है एक करण भाई की सबसे खास बात क्या है ये बहुत रॉ और रियल बातें करते हैं कोई पर्दा नहीं लगाते दूसरे सकते। जो है, सही है वो है जो गलत है वो है वो बताते हैं डायरेक्टली बस इन्होंने जो आपको अभी बहुत सारी एकदम चीजें बताने वाले हैं बहुत सारे अल्फा देने वाले हैं अल्फा यानी कुछ बहुत ही इंसाइटफुल चीजें बताने वाले हैं जो कि हो सकता है आपको काफी अच्छा प्रॉफिट करें मगर आपको याद रखना है जो भी हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बस हम अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करने वाले हैं सो आई एम ओनली शेयरिंग जर्नी

वो फिर बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया फिर मैंने अपने पापा को भी समझाया हाँ। वैसे जनरली सब पेरेंट्स को इंडिया में समझ आता नहीं है बट मैं और मेरे पापा हम लोग डिस्कस करते थे उस समय कुछ कुछ वीडियोस भी देखा हमने हाँ। हमें लगा कि सही चीज़ है इन्वेस्ट करने वाली, हाँ। तो, हाँ। हमने इन्वेस्ट करने वाली। हाँ। तो हमने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था बट आई वॉज इन म्यूजिक मोर तो क्रिप्टो वॉज अ साइड थिंग जैसे आप नई चीजों में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते हो वैसी चीज थी बट इट वॉज फैसिनेटिंग टू मी एंड थोड़ा बहुत चीजें चलती रहती थी बट आफ्टर ट्वेंटी ट्वेंटी कोविड केम कोविड में म्यूजिक इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी सारे गाने बंद थे हम घर में बैठे हुए थे तो उस समय क्या करते तो उस समय यही माइंड में आया कि यार जो क्रिप्टो बचा हुआ है hmm. कुछ निकालते हैं कि पुरानी क्या चीज़ें बची हुई है क्योंकि बहुत लॉस वॉस भी हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे uh. आगे कि कैसे क्या चीज़ें बची हुई थी देन uh. उसमें ही कुछ कुछ स्टार्ट किया एंड देन फिर वो पूरी जर्नी स्टार्ट हुई फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी एंड पास्ट वन वन एंड हाफ य आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्फ्लुएंसर एंड आई ट्रेनिंग अलॉट ऑफ पीपल इन क्रिप्टो परफेक्ट यानी काफी शानदार जर्नी रही है अच्छा मुझे ये बताइए क्या अप्स एंड डाउन रहे हैं आपकी जर्नी के यानी जब आपने शुरुआत करा था वॉट प्रॉब्लम डिड यू फेस एंड उसको कैसे ओवरकम करा आपने सो इन क्रिप्टो जर्नी और म्यूजिक जर्नी म्यूजिक जर्नी से क्रिप्टो की तरफ सो ब्रो म्यूजिक जर्नी जैसे सबको पता है मैं बार बार बताता हूँ सबको दैट कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो या वो एक्टिंग हो या वो म्यूजिक हो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड डेडिकेशन क्योंकि लोग बहुत है बहुत लोगों के अंदर में टैलेंट है एंड होता क्या है ना भाई कि बहुत लोग आज भी मेरे फ्रेंड्स है जो सिंगर है जो एक्टर है जो इतने सालों से उसी चीज में लगे हुए हैं बिकॉज उनको और कुछ आता नहीं है उनके पास सिर्फ टैलेंट है एक्टिंग का तो वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं कभी सक्सेस तीन साल बाद मिलेगी मिले कभी पांच साल बाद मिलेगी कभी आठ साल बाद मिलती है कभी लोगों के दस साल निकल जाते हैं लोगों की एज इतनी ज्यादा हो जाती है मतलब बहुत टाइम लग जाता है सक्सेस मिलने में जैसे हमने देखा नवाजुद्दीन को बहुत लेट सक्सेस मिली किसी को जल्दी मिलती है किसी को लेट मिलती है तो ये चीजें मैंने अपने लाइफ में रियलाइज की वन आई वॉज डूइंग म्यूजिक आई वॉज डूइंग डिसेंट स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ आ, मतलब कोई फंडिंग नहीं होती थी मेरे को जो हमने मतलब मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में तो थोड़े तीन चार गाने वैसे किए लेकिन जब मेरे गाने में नंबर्स अच्छे आने लगे देन म्यूजिक कंपनी स्टार्टेड पेइंग मी मनी फॉर मेकिंग माई वीडियोज एंड एवरी बट वही है कि वो उसके सारे राइट्स ले लेते ले थे उसके बाद आपको कमाना कैसे है? एक आर्टिस्ट कैसे कमाता है लाइव शो कर के. बिल्कुल। तो आप बेसिकली ब्रेक इवन में चल रहे हो जब तक आप एक बहुत बड़े स्टार नहीं बनते हो हार्डी संधु नहीं बनते हो हनी सिंह नहीं बनते, हो, नहीं बनते हो, उस लेवल के नहीं बनते हो तब तक आप कुछ बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर रहे हो लोग जो देखते हैं कि अगर किसी आर्टिस्ट के सौ मिलियन भी हो गए एक गाना चलो दो गाने भी सौ दो सौ मिलियन चले गए सब ने वो गाना सुना हुआ है बट फिर भी ऐसा नहीं है कि वो आर्टिस्ट पैसा बना चुका है वो आर्टिस्ट के गाने हिट हुए एक आर्टिस्ट तभी पैसा बनाता है जब वो एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है लॉन्ग टर्म में उसके पास महीने के दस शोज है बीस शोज है hmm. बहुत उसकी फैन फॉलोइंग चल रही है देन ओनली ही इज मेकिंग मनी तो चीज मैंने रियलाइज कर ली थी कि बिकॉज माई वर बिग तो मैंने रियलाइज किया कि था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में देर आर लॉट ऑफ मोर टैलेंटेड पीपल देन मी एंड दिस इज नॉट द इंडस्ट्री वेर आई कैन बी एट टॉप ट्वेंटी ऑफ इंडिया और टॉप फिफ्टीन ऑफ इंडिया बट मुझे पता था कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में मेरी नॉलेज को एक फेथ था कि यह इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें मैं टॉप टेन टॉप ट्वेंटी में आ सकता हूँ okay. 16-17 so घंटे काम किया बेस्ट बात आपकी की ये लगी कि आपने, अपने आपको क्वेश्चन करा आपने जो अपनी बिलीफ है लोग क्या वही चीज रहते हैं? नहीं मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा राइट right. पर कहीं बार अपने आपको क्वेश्चन भी करना होता है और रियालिटी देखनी पड़ती है अपने आप से ऑनेस्ट होना बिल्कुल

कि इज दिस इनफ टू अचीव माई गोल्स और टू अचीव माई ड्रीम्स क्योंकि मेरी ड्रीम थी बड़ी अब मेरे को याद है ट्वेंटी ट्वेंटी में जब कोविड हुआ हाँ। ऐसा हाल हो गया था उस समय कि मतलब म्यूजिक अगर समझो मेरे को मेरे को स्पोर्ट्स कार का शौक है हाँ। मेरे को पता था कि अगर मैं म्यूजिक कर रहा हूं मेरे को पता नहीं कितने साल बाद मैं एक प्रीमियम कार एक मर्सिडीज अचीव कर पाऊंगा एक बीएमडब्ल्यू ले पाऊंगा पता नहीं कितने साल लगेंगे मेरे वो लेवल आने में हाँ। पता नहीं मैं एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदने में मुझे कितने साल लग जाएंगे उस इंडस्ट्री में मुझे वो चीज हिट की कि यार अब आपको एक टाइम आ गया है वेन यू हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ तो बहुत लोग होते हैं यार बहुत लोग क्रिकेटर बनने जाते हैं बन जाते हैं कुछ और कोई एक्टर बनने जाता है बाद में बन जाता है बिजनेसमैन तो बहुत चीजें ऐसी होती है सो यू हैव टू ट्राई एट मैंने ट्राई किया एंड इट वर्क आउट रियली वेल आई एम डूइंग मच बेटर इन माई लाइफ अगर ऐसा देखा जाए आई एम मेकिंग म्यूजिक ऑन माई ओन मैं अभी भी गाने बनाता हूँ hmm. ऐसा नहीं है मे बी मैं रिलीज करूं आगे जाके बट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन थिंग आई एम डूइंग रियली वेल इन माई लाइफ अपने केपेबिलिटी पे विदर फील्ड आई कैन टोटली रिलेट टू यू जब मैं थोड़ा

हमेशा इंटरेक्ट करता हूँ एक ऑनेस्ट बात है जब मैं म्यूजिक बनाता था सो वी यूश टू प्रोट आर सॉन्ग वी यूश टू प्रमोट आर म्यूजिक ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म हम यूट्यूब एड लगाते हैं हम इंस्टाग्राम एड करते हैं हम इंफ्लुसर्स के साथ काम करते हैं उसके बाद क्या होता है उसके बाद लोग आते हैं आपके कंटेंट को देखते हैं है hmm. का काम नहीं है वर्क कर रहे हैं hmm. तो आप इन्फ्लुएंसर हो डाइट बता रहे हो वर्क कर रहे हो तो आप इन्फ्लुएंसर हो, hmm. हो, तो आप हो। hmm. अगर आप सिर्फ ग्लैमर दिखा रहे हो कि गाइज मैंने गाड़ी ले ली दो करोड़ की और मैंने बाइक्स ले ली या मैं वॉचेस पहन रहा हूं एक करोड़ रुपए की लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि कहां से ये खरीदा आपने कहां से आपने ये दो करोड़ की गाड़ी ली वो भी तो बताओ अपने ऑडियंस ये चीज ले लिया फिर मैं उनको रियल इन्फ्लुसर नहीं मानता वो मेरे मतलब वो मेरे लिए उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है मेरे अंदर अच्छा जी इन शॉर्ट जब आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए तो आपको एक रियल इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में क्रिएट करने का मौका मिल रहा है एक्जैक्टली अच्छा जी आपको प्रॉफिट तो कहीं बार हुआ होगा हाँ। आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको क्या हुआ है और क्यों हुआ था था क्या रीजन था? यार देखो सबसे बड़ा प्रॉफिट अगर आज तक का बोला जाए तो एक रियल इंडस्ट्री में मैं एक बात बोलूंगा सब लोग रिलेट कर पाएंगे अगर हम अपने लॉसेस को देखें ना कि कितने हमारे प्रॉफिट हाथ से छूटे हैं वो हमेशा आपके पोर्टफोलियो से भी बहुत ज्यादा होगा सबके साथ ऐसा होगा कि अगर वो कैलकुलेट करेगा कि काश मैंने ये, ये चीजें होल्ड कर पे बैठे हो। नहीं। तो मेरा जो अराउंड ग्यारह बारह डॉलर का था पिछले सीजन ओके। उस पर पता नहीं मेरे क्या रिसर्च थी मेरे को बीएनबी बहुत सही लगा मैंने बी बहुत अर्ली बाई किया और उसके बाद आप देखते हो ना कि जब आप किसी चीज को बहुत बड़े क्वांटिटी में बाई कर लेते हो एंड वो चीज जब बड़ी हो जाती है दैट टाइम वन लेकिन आप इमेजिन करो अगर वो चीज डॉलर पहुंच जाती है समझो किसी ने कोई चीज एक एप्पल को खरीदा दो हजार में हाँ. अब वो एक सिंगल एप्पल हो गया तीस हजार का लेकिन आपके पास पूरा एक बंच ऑफ एप्पल पड़े हुए बहुत सारे एप्पल हाँ. तो उसको ट्रेड करना कितना ईजी हो जाता है तो बुल सीजन में जब एक बी एनबी पांच सौ डॉलर का चल रहा था हाँ.

यूएसटी में मेरा हुआ था जो लूना क्रैश हुआ था यानी एक करोड़ से ज्यादा वाइप आउट हुआ हाँ उस समय गया था मेरा और वो भी बहुत मेहनत की कमाई थी क्योंकि मार्केट के डाउन पे मैंने बीटीसी खरीदा था फिफ्टी फिफ्टी फाइव के आसपास आई रिमेम्बर मैंने एग्जिट लिया था कुछ बहुत सारे टोकन है और वो मैंने स्टेक करके रखा हुआ था कि यार इसको यूएसटी में स्टेक करके रखते हैं इट इज गिविंग गुड का का रिटर्न था।, था तो वहां पर रखते हैं एंड जब बेयर मार्केट आएगी तो इसी स्टेबल्स को यूज करके वापस करेंगे ओके। तो मैं मतलब मेरी गलती थी मैं ट्रैवल कर रहा था और मैंने अपना हार्डवेयर वॉलेट कैरी नहीं किया और उसी बीच में जब मैं ट्रैवल कर रहा था उसी टाइम यूएसटी क्रैश हुआ मैं अपना कैश आउट नहीं कर पाया और वो पूरा वाइप आउट हो गया तो उस समय एक हुआ था उजेंड एटी में भी वेन आई वॉज अर्ली इन्वेस्टर इन क्रिप्टो मार्केट ट्रेडर नहीं था अर्ली hmm. इन्वेस्टर उस समय मैंने बहुत सस्ते में बी टी सी खरीदा था इथेरियम लिया था मतलब बहुत सस्ते मतलब आई बॉट इथेरियम वेन इट वॉज अराउंड सेवेंटी एट्टी डॉलर बी टी सी जब मैंने लिया था तीन हजार डॉलर का था पच्चीस सौ तीन हजार डॉलर का hmm. तो उस समय जो वो हैवी चंक ऑफ अमाउंट लिया था hmm. एक न्यू प्रोजेक्ट है तो उस समय पता नहीं था कि माइनिंग करके कितना बनता है क्या होता है नॉलेज नहीं थी हमें hmm. कहीं पर मैंने देखा बिट पटीट करके एक प्रोजेक्ट आया था वहां पे अब हमने बीटीसी और अपने इथेरियम ये सब करते हो। 8 -10 फ्री रिवॉर्ड है तो जितना आज लगा रहा हूँ बीटीसी इथेरियम पंद्रह दिन में डबल हो जाएगा उतना तो वापस आ जाएगा फिर डेली का बनता रहेगा तो वो लगाया वो कंपनी में सात आठ दिन उन्होंने रिवॉर्ड दिए उसके बाद उनका वेबसाइटसाइट सारी चीजें उड़ गई टोटल पॉन्जीज सब गायब हो गया

कि कैसे इस इंडस्ट्री ने मेरे से पैसा लिया कहीं और तो गया ही है। ट्रेडिंग में हम जब लूज करते हैं वो पैसा कहीं और जाता है आप लूस किसी टोकन में हम लगाते हैं वो पैसा कहीं और जाता है कहीं तो गया तो मेरे में था कि अब इसी दो से और दिन रात रिसर्च करूंगा वापस इसको ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि ये पैसा कहीं तो जा रहा है तो उसी इंडस्ट्री से मुझे वापस छीनना था वो पैसा तो वापस वहां लग के एंड देन अगेन सेवन टू एट मंथ्स में मैं वापस एक्स प्रॉफिट पे आ गया था अपने पूरे के hmm. तो almost से मैंने 15, वापस किया था फिर धीरे करके बढ़ाया बढ़ाया फिर एक लूना में बड़ा झटका खाया फिर धीरे धीरे करके बढ़ाया बढ़ाया hmm. तो यह चीज चलती रहती है बिकॉज hmm. कुछ कुछ लोगों के किस्मत में होता है कि एक ही बार में वो बड़े बन जाते हैं बट आई बिलीव कि मेरे साथ ये है कि आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो बिकॉज hmm. इसी चीज की वजह से hmm. आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूं hmm. करण भाई अभी मीम कॉइन सीजन काफी पीक पे चल रहा है सबका बहुत अच्छा पैसा बन रहा है इवन आपका भी पैसा बना है हमारी कम्युनिटी का भी बना मीम hmm. हाँ. के अंदर अभी आपने रिसेंटली टेन एक्स हंड्रेड एक्स वाले मीमकॉइन भी ढूंढे तो आपने कैसे वो मीम मीमकॉइन ढूंढे कितना प्रॉफिट बनाया क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी सो बेसिकली मीम मीमकॉइन हंटिंग

पचास सौ लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो लोग बनाते हैं फॉरेन में लाइक like, दुबई में भी है बहुत सारे बाहर भी है वो लोग बनाते हैं दे इट हाँ। क्योंकि मीम कॉइन इज ऑल अबाउट कम्युनिटी तो अगर सौ इन्फ्लुएंशियल लोग जुड़ जाए और उनकी कम्युनिटी भी साथ में आ जाए अर्ली देन वो लोग उस कॉइन को किसी भी हद तक लेके जा सकते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिटी मीम कॉइन में आपको फाइंड करना तो अगर आप अच्छे कम्युनिटी को ढूंढ पाओ मीम मीमक अर्ली आपको ट्रैक रखना पड़ेगा आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट है आपको सेंसिबल होकर ट्रैक क्योंकि बहुत लोग फसाते भी है ट्रैप करते हैं आपको बाइंग करवाएंगे उसके बाद आपके ऊपर डम मार देंगे सो यू विल बी द लिक्विडिटी एग्जिट बट आप अगर अच्छे लोगों को फाइंड आउट करोगे ना आपको क्विक भी रहना पड़ेगा समझो आप देख रहे हो कि एक इन्फ्लुएंसर है जो सोलाना मीम कॉइंस को प्रमोट करता है इसके एक ट्वीट डालते ही वो टोकन बहुत अच्छा जाता है सो वॉट यू गॉट गोट डू इज आप उसके अलर्ट ऑन करके रखो उसको ट्वीट के hmm. जैसे उसको ट्वीट का अलर्ट आता है आपको क्विकली बाय करना है जैसे आपका टू थ्री एक्स होता है पहले अपना कैपिटल निकालना है है hmm. उसके बाद छोड़ देना मे बी वो वो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन का स्टार्ट हो एंड चीज हंड्रेड एक्स चली जाए उसके बाद या मे बी वो एक क्विक वो लोग एट टेन एक्स लेकर जाए सबको घुसाए उसके अंदर और फिर बड़ा डम मार दे hmm. तो यू हैव टू बी वेरी क्विक विद मीम डेज पहले जैसे टू थ्री एक्स हुआ क्योंकि वो लोग डालेंगे तो पंप आएगा इफ यू आर इन फर्स्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स आप इजिली टू थ्री एक्स बना सकते हो टू थ्री एक्स बनाओ अपना कैपिटल निकाल लो फ्री के टोकन छोड़ दो अगर वो टोकन सच में बहुत बड़ा फट गया तो आपका हंड्रेड एक्स बन जाएगा हाँ. अगर रकपुल भी हो गया देन यू आर सेफ दूसरी स्ट्रेटेजी जो मीम कॉइंस की है ग ये जैसे कुछ पेजेस है जो मैं फॉलो करता हूं हुँ. कुछ वेबसाइट है जैसे एक वेबसाइट है जीएम जी सो इट्स गुड मॉर्निंग कई निशियल जीएम जीएन गुड नाइट गुड मॉर्निंग गुड नाइट डीजेन करके अच्छा तो जी एम जी एन डॉट ए आई अगर आप देखोगे हाँ, तो वहां पर बेसिकली आपको डेली का ट्रेंडिंग कौन से सबसे ज्यादा मीम कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं कौन से स्मार्ट अकाउंट सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना रहे मीम कॉइन में कौन से वॉलेट्स है जिन्होंने लास्ट ट्वेंटी फोर आवर में बनाया है जिन्होंने हफ्ते भर में बनाया है उन सब वॉलेट को ट्रैक करो पचास वॉलेट की लिस्ट निकालो उनको ट्रैक डाउन करो उसके बाद देखो कि उसमें से किसका रेशियो अच्छा जा रहा है एक महीने ऑब्जर्व करो देखोग जिसका सत्तर अस्सी परसेंट का रेशियो जा रहा है उनके वॉलेट के ऊपर ट्रैकर लगाओ टेलीग्राम पे एंड देन टेलीग्राम बॉट्स को यूज करो जैसे सोलाना बॉट क्योंकि अगर आप यूनिसॉप यूज करने जाओगे अगर आप रेडियम यूज करने जाओगे बहुत स्लो ट्रांजेक्शन होते हैं आप टेलीग्राम बॉट यूज करो सोलाना बॉट लगाओ टेलीग्राम पे ये सब चीजें लगाओ जैसे आपको पता चले नोटिफिकेशन आए कि इस वॉलेट ने समझो पांच वॉलेट वाइट लिस्ट कर दी है अब इस वॉलेट ने यह टोकन खरीदा है, का विफ है। तो आप देखो कि वो कौन से टोकन में एक डेढ़ लाख डॉलर की उसने अगर किसी में बाइंग कर लिया आज तो जरूर कुछ होगा तभी ये इन्वेस्टर है जिसके पास इतना पैसा है उसने किसी टोकन में दो लाख डॉलर डाला है मतलब इसका कुछ तो ट्रेंड आने वाला है आप भी उसमें थोड़ा सा रिस्क ले लो जैसे टू एक्स होगा पहले अपना कैपिटल तो फ्री बच गया अगर वो थ्री फिफ्टी भी फिफ्टी एक्स भी चला जाता है सो यू मेक अराउंडीन थाउजेंड डॉलर अप्रोक्स उस समय आपका बनता है आ, तो पंद्रह हजार डॉलर आपका बन गया उस समय कैश आउट हो जाओ निकल जाओ उस कॉइन से मत वेट करो कि अभी यह 110 मिलियन का एक बिलियन पहुंचेगा नहीं Maybe. बाहर पंद्रह हजार डॉलर अब आगे अब ऐसे ही वॉलेट्स को ट्रैक कर करके उस पंद्रह हजार डॉलर में से hmm. हर वैसे नए टोकन में जो आपको समझ आता है हंड्रेड टू हंड्रेड हंड्रेड टू हंड्रेड रिस्क लेके चलो एक और वैसा हंड्रेड एक्स सीधा वापस दस हजार डॉलर आपके वॉलेट पे ओके okay. ओके okay. तो ये स्ट्रैटेजी है तो आप एक खुद ट्रेडर हो और आपको मालूम है साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ट्रेडिंग के अंदर यस yes. अभी हर कोई बिटकॉइन में बहुत बुलिश हो रहा है उसको लग रहा है दो हजार चौबीस तक हर कोई बोल रहा है नया ऑल टाइम हा बिटकॉइन बनाएगा बनाएगा तब तक ठीक है या दो में तो बना ही देगा राइट right. और ये देखा गया है कि हर जब हर कोई बंदा कोई एक सेम सोच रहा हो ना क्रिप्टो मार्केट में तो जनरली वो नहीं प्ले आउट हो पाती है व्हाट इज योर थॉट 2024 2025 तक बिटकॉइन क्या रेंज में होने वाला है 2025 के फोर uh, के एंड तक और uh, उसको ड्राइव करने वाले क्या फैक्टर्स होने वाले हैं मैं एक सिंपल से बात बताऊंगा वी आर नाउ इन अ बुल सीजन हम बुल साइकिल एंटर कर चुके हैं अब जो लोग साइकोलॉजी है उसमें लोग गलती क्या कर जाते हैं हाँ। जब लोगों की साइकोलॉजी बुलिश हो जाती है ना लोग ओवर लेवरेज ट्रेड में आ जाते हैं हाँ। ठीक है उसमें लोगों का अकाउंट बार बार लिक्विडेट होता रहता है और उनके फंड्स खत्म हो जाते हैं मार्केट आपको बर्बाद नहीं करेगी आप अगर यहां से अपनी पोजीशन सो लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन प्राइस राइट नाउ इट्स एट 63,500 डॉलर्स के आसपास अभी चल रहा है यहां से फिफ्टी के कितना है 20 परसेंट डिप हार्डली अगर आप ट्वेंटी परसेंट डिप की बात करते हो अपसाइड जाने के चांसेस में ट्वेंटी है इलेक्ट्रिसिटी hmm. तो hmm. कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है नॉर्मल hmm. लोगों के लिए माइनिंग करना तो इजीली सिक्सटी थाउजेंड से ऊपर का है hmm. जो बड़े माइनर्स है वो भी फिफ्टी एट सिक्सटी के ऊपर ही प्रॉफिटेबल है hmm. तो एक तो वो चीज है दूसरी चीज है पब्लिक को अभी मार्केट ना बार बार फ्लश करेगी हाँ। देखो लोगों का अभी क्या हो रहा है लोगों को देखो इरिटेट कर रही है मार्केट। सिक्सटी ऐसे लोगों ने सोचा टू में बाइंग करेंगे मार्केट देखो वापस सिक्सटी सिक्स थाउजेंड चली गई तभी मैं लोगों को पार्ट्स में बाइंग करा रहा हूँ जब सिक्सटी थाउजेंड आया आई टोल्ड माई मेंसेंट बाइंग कंप्लीट कर लो बिकॉज वहां से देखो मार्केट ऊपर आई चालीस परसेंट ऑलमोस्ट सारे टोकन ने किए ऑल्ट किएसी ने बीटीसी hmm. ने भी दस बारह परसेंट का पंप दिखाया hmm. तो आपको अपनी साइकोलॉजी बनानी है आपको अपना प्लान बनाना है दैट इफ आई आई टू इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन मार्केट विल एट रेंज आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे लेकिन अगर आप ओवर लेवरेज ट्रेड लोगे hmm. हाई सोच के कि अब यहां से मार्केट बीटीसी तो 60 के के नीचे नहीं जाएगा hmm. मैं यहां से एक बड़ा लॉन्ग खोल देता हूं और हंड्रेड के में जाएगा तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा आई विल बी विलेर या मेरा करोड़ों रूपया बन जाएगा अगर ये चीज़ सोचोगे तो मार्केट बार बार न्यूज एंड इवेंट्स और चीजें आएंगी जो आपको फ्लश करेगी और आपके पोर्टफोलियो को बर्बाद करेगी अच्छा जी और हुआ रिसेंटली बहुत सारे लोग भाई हुआ ही है इस इस फ्लश में कितने लोग बर्बाद हुए बट वही है अगर आपको बिल्ड भी करना है लेवरेज पोजीशन बिल्ड करनी इट्स नथिंग रॉन्ग सबसे पहली चीज लेवरेज पोजीशन में आप रेंज बना के खेलो कि यार आज अगर मैं ये लॉन्ग ले रहा हूं

अभी मार्केट में अनस्टेबिलिटी है यूएस के मार्केट में भी यूएस के मार्केट ऑलरेडी बहुत अभी ऊपर गया स्टॉक मार्केट थोड़ा सा एक नीचे आएगा एंड हाविंग के बाद जो नेक्स्ट थ्री फोर मंथ होते हैं उस समय क्या होता है ना नए लोगों को बार बार फ्लश किया जाता है सो वी विल सी अलॉट ऑफ स्पाइक अपसाइड दस परसेंट ऊपर जाएगा फिर गिरेगा ऊपर जाएगा फिर गिरेगा फ्लश तो कर कौन रहा है भाई ये वेल्स करते हैं आप देखो वॉल्यूम की डाउन हो रही है आ, क्योंकि यूएस में कुछ कुछ चीजें चल, आ आ, तो चल रही है तो इसलिए मेरे को लगता है तीन चार पांच महीने बड़े प्लेयर्स पैसा नहीं डालेंगे मार्केट में अभी आ, वो वेट करते मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने के लिए एंड यूएस के इलेक्शन भी आएंगे इस साल के एंड में तो उस समय मार्केट यूएस के मार्केट मेरे को लगता है और ऊपर जाएगी और उसी के साथ साथ वहां से राइज स्टार्ट होगा okay, okay, क्यों? क्यों मुझे बिकॉज जैसे कि माइनर्स प्रॉफिटेबल धीरे वो लोग बेचना बंद कर देंगे जैसे जैसे उनकी डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ रही है जो छोटे माइनर्स है वो तो बेचना अपना सप्लाई कम कर देंगे एडोप्शन बहुत स्पीड से बढ़ रही है बीटीसी की लोग थोड़े से डर जाते हैं जब मार्केट की स्टेबिलिटी थोड़ी डाउन होती है आप देखोगे जैसे बीटीसी वापस पंप होना स्टार्ट होगा, और स्पीड से बढ़ रही है, डिमांड आएगी एंड सप्लाई उस हिसाब से मार्केट में है नहीं तो इजीली बीटीसी यहां से वन ट्वेंटी एंड ऑल्ट किया की रैली फिर स्टार्ट होगी मेन okay. ठीक है तो अभी बेस्ट टाइम है ऑल्ट हाँ। कोइन को एक्मलेट करने का दिस इज टाइम ओके

पोर्टफोलियो मेरे पोर्टफोलियो में तो भाई बहुत सारे कॉइन्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत पहले से इंडस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें हैं जो पड़ी रह जाती है और अब बेचने का मन नहीं करता लगता है कि आप बुल मार्केट में ही निकालेंगे सो दैट इज वाई आई एम होल्डिंग पर्सनली ओवर सेवेंटी एट्टी प्रोजेक्ट्स बट अभी मैं लेकिन उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऐसे ही पड़े हुए हैं अच्छा, पुराने इस बार जो मैं एक्यूमिलेशन बना रहा हूँ पास थ्री फोर मंथ्स है ऐसा नहीं कि सब मैं डीसीए कर रहा हैं सब मैं डाल रहा हूँ वो नहीं है

अगर आज भी जैसे सुबह से मैंने जो ट्रेड किया है सबसे ज्यादा हाँ। वो विफ और पीप में किया ट्रेड मैंने हाँ। सबसे बेस्ट रिटर्न मुझे आज एक दिन में उन दोनों ने दिया है हाँ। क्यों बीटीसी ने जैसे बाउंस बैक दिया पांच हाँ। सौ डॉलर का पेपे जो पे, पेपे भी बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं उसको हाँ। सो पीप एंड विफ टोकन ने दोनों ने ग्यारह ग्यारह का बाउंस बैक दिया है स्पॉट पे एक दिन में चार घंटे के अंदर अंदर बिकॉज दीज आर स्ट्रॉग नरेटिव इन द मार्केट राइट नाउ तो अगर आप पिछले तीन महीने का भी ट्रेंड उठाकर देखोगे टॉप हंड्रेड टोकन ऑफ टोटल क्रिप्टो इंडस्ट्री टॉप हंड्रेड टोकन में सबसे ज्यादा गेन जिसमें होगा दैट इज द मीम कॉइन जिसमें मीम टोकन होगा डॉज अभी उतना ज्यादा पंप नहीं हुआ लेकिन होगा डॉज में भी अच्छा खासा पोटेंशियल है डाउन साइड जाने का पोटेंशियल यहां से हार्डली थर्टी परसेंट करेंट प्राइस इज अराउंड जीरो पॉइंट वन फाइव वन सिक्स डाउन साइड जाएगा मुझे लगता है हार्डली जीरो पॉइंट बट अप साइड पोटेंशियल इज टू तो डॉज में बहुत पोटेंशियल है पीप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन पीप अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो मीम नरेटिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नगर क्योंकि सबसे पहले रिटेलर का पैसा उसी में आता है बिल्कुल तो मीम ने आई नगर आर ए ये सारे स्ट्रॉन्ग नगर है अभी मार्केट में जो बहुत मैं जिनमें अभी एक्यूमुलशन बना रहा हूं बहुत अच्छी अच्छा जैसे आपने मीम में दो नाम बता दिए पेपे बताया डोज बताया और है ना अब मुझे आप ए आई और आरडब्ल्यू में बता दिए कॉइन से हो भाई हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि मीम में मैं आपको चार पांच नाम बताता हूँ हाँ। जो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ हाँ। सब एक तो पीप हो गया हाँ। मैंने वो बाइंग किया उसके बाद डॉज कॉइन सेफ में अगर लेना है आपको मीम में तो डॉज कोट जो थोड़े सेफ है जो गिरेंगे नहीं ऐसा नहीं कि आपने एक लाख लग लगाया तो सीधा बीस हजार का हो जाएगा ये नहीं होने वाला उनमें अब बिकॉज उनमें स्ट्रॉग फंडामेंटल चीजें भी आ चुकी है अब और दूसरा अगर आप जैसे आज माइरो में देख रहा था चार्ट तो माइरो बहुत अच्छा जो रेंज में जीरो के आसपास आया हुआ है ऑलमोस्ट okay. तो अभी अभी okay. okay. तो खरीदो अभी रिसेंट एक महीने पहले आई थिंक जीरो पॉइंट थ्री एट था okay. तो वहां से कितना नीचे आ चुका है यहां से अभी उस जगह तक भी गया तो अच्छा खासा रिटर्न बनेगा तो ये सब कुछ चीजें हैं और विफ है विफ टोकन है वो भी लेकिन अभी बहुत ऊपर जा चुका है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं सो so, पीप हो गया अपना डॉज हो गया फ्लोकी एंड uh, uh, और अपना माइरो okay. इन सब टोकन पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो मीम टोकन में सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए आई ए आई में बेसिकली मर्जर होने वाला है ए एस आई टोकन के ऊपर में एजिक्स का ओशन प्रोटोकॉल मैंने जहां पे कॉल दी थी वहां से इलेवन एक्स चल रहा है इस सीजन पब्लिक कॉल्स है एफई टी ट्वेल्व एक्स चल रहा है पब्लिक कॉल्स है मतलब अगर उस समय हमने दस हजार भी लगाया हुआ तो एक लाख बीस हजार चल रहा है इस सीजन में मतलब लास्ट आठ दस महीनों में जहां से मैंने पब्लिक कॉल डाली हुई तो सब चीजें हमारी बढ़ चुकी है ऑलरेडी बट अभी भी उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बिकॉज यहां से अगर एफई अगर आप बाई करते हो इजिली मे में मैं अभी देख रहा हूँ मे मंथ के एंड में एनवीडिया की अनाउंसमेंट होने वाली है अर्निंग्स की

स्ट्रॉगेस्ट प्लेयर ऑलमोस्ट टू एक्स किया हुआ है पांच सौ परसेंट का अपसाइड है, का है hmm. तो आपका आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है ऑनडो इज अ वेरी गुड प्लान अगर लो कैप आरडब्ल्यू में देखना चाहिए एक सिंपल सी लॉजिक है जो प्रोजेक्ट मेसी को अपना ब्रांड एम्बेडर बना सकता है उस प्रोजेक्ट की मार्केट कैप अभी बहुत लो है तो वो प्रोजेक्ट बुल रन में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं तो उन सब में थोड़ी अक्यूमलेन बना रहा हूं तो बेसिकली मेरे इनमें ही अभी मेन है तो आपने काफी बढ़िया तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना लिया ठीक है हाँ। और सामने किसी व्यूअर को अपना पोर्टफोलियो को यहां से फाइव एक्स एक्स लेकर जाना है पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो को राइट तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए सो हाँ। so, अगर आप अभी मार्केट में न्यू प्लेयर आ रहे हो ठीक है मार्केट आप कोई बोल रहे हो ऑलरेडी बहुत ऊपर है बट हाँ। अभी भी अगर आप 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 मार्केट मार्केट में में आ रहे हो आप, 10 आप आते हो समझो इमेजिन लेके आते तो आपको क्या करना है है अभी BTC चल रहा 63, के आसपास हाँ। इस जोन में आपको अपना थ्री लैख यूज करना है बीटीसी यहां से जाएगा फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड टू फिफ्टी नाइन थाउजेंड रेंज तीन हाँ। लाख आपको वहां लगाना है उससे नीचे और चला गया तब आपको अपने बाकी चार लाख को यूटिलाइज करना है नहीं गया चार लाख तीन लाख को होल्ड करके बैठे रहो बुल सीजन में जब बड़े ब्रेकआउट्स और बड़ी चीजें मिलती वहां पे करो। अब टोकन्स अगर आपको है तीन लाख आपके पास पड़े हुए तीन लाख को डिवाइड कर लो बाई टेन तीस हजार रुपए हो गए इन दस टोकन में तीस तीस हजार की आज एंट्री बना ली थोड़ा सा यहां से नीचे गया वापस सेम तीसतीस हजार की एंट्री बना ली तो ऐसे करके आप एंट्री बनाओगे Easily, जब मार्केट यहां से ग्रो करेगी इन वन वन एंड हाफ इक्स एक्स होगी पांच सौ छो परसेंट का रिटर्न आपको मिल जाएगा ओके okay. आपको तो सिंपल में चलो एकदम काम हो के, कूल होके चलो ओके okay. कोई ज्यादा हजार चीजें करने की जरूरत नहीं है hmm. लोग क्या करते हैं आज मैंने बताया मेरे से पांच डॉलर लगा के मेरा एक टोकन खरीद लिया कल किसी और ने इन्फ्लुएंसर ने कुछ बताया करण भाई ने यह टोकन बताया था पांच का चल रहा है अभी पांच चलो इधर से निकाल के अभी उधर चले जाते हैं बहुत गलत या लॉस भी चल रहा है अगर समझो तीन सौ अस्सी थ्री हंड्रेड एट्टी डॉलर थ्री हंड्रेड एट्टी लॉस में बेच दिया किसी और इन्फ्लुएंसर का सुन लिया क्यों क्योंकि उस इन्फ्लुएंसर ने लास्ट दो तीन टोकन बताए थे वो अच्छे चले तो उसमें चले गए पूरा ऑल इन उसमें डूबेगा आप आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ एकदम कामली चलो आपने अगर रिसर्च कर लिया जैसे मैं किसी टोकन में रिसर्च समझो रून है ठीक है आर यू एनी मैंने रून में अगर रिसर्च बना ली है कि मैं इसको यहाँ 5.5 डॉलर से खरीद रहा हूं चार डॉलर तक खरीदूंगा मैंने हजार डॉलर लगाया नीचे मार्केट आ गई बीस परसेंट हजार एट हंड्रेड डॉलर मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है बिकॉज माय प्लान इज रेडी मैंने अपने माइंड में मैं मैं पहले ही मेकअप कर लिया है कि मैं यहां से यहां बाइंग करूंगा पांच सौ लगाऊंगा पांच सौ लगाऊंगा पांच सौ लगाऊंगा अब ये जब ऊपर जाएगा मैं तभी बेचूंगा ओके मेरा स्ट्रेटेजी रेडी होगा तो आप पैनिक नहीं करोगे बिटकॉइन हाँ। ने अभी ठीक है बट yes. काफी हाँ। आपको क्या लगता है कभी अपना नया टाइम है बना सकते हैं और क्या उसका रीजन होगा मेरे कम्युनिटी में ये वन ऑफ द मोस्ट आस्ट क्वेश्चन है कि करण भाई डॉट नहीं बढ़ रहा है मैटिक नहीं बढ़ रहा है बाकी सब चीजें इतनी पंप हो रही है तो इसके पीछे एक रीजन है

उसका जब 10 परसेंट भी पैसा अगर ऑल्ड में डाइवर्ट हो आगे। तो ऑल्ट कोई यहां से इजिली थ्री फोर फाइव एक्स करने लगेंगे एंड देन वी विल सी द मेन रैली बट इसमें एक और चीज है कि लोग पूछते पोलका डॉट मैटिक जैसे टोकन क्यों नहीं बढ़ रहे इसीलिए नहीं, नहीं बढ़ रहे बिकॉज वो टोकन सबसे ज्यादा हाईली शील्ड है सबसे ज्यादा लोगों के वॉलेट में पड़ा हुआ है तो उनकी जो टीम्स है मेरे अकॉर्डिंग वो लोग अभी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा अभी नहीं लगाते हैं बिकॉज थोड़ा सा पंप लेके आएंगे लोग बड़े क्वांटिटी में बेचेंगे बिकॉज सबके पास वो पड़े हुए सबके वॉलेट में मैटिक वोल तो है ही है तो सब लोग बेचते हैं उसको जब पंप होता है तो तो इसीलिए वो लोग अपनी फाइनल मार्केटिंग का फंड्स और फाइनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हाँ। जिनके पास रियल फंडिंग है जिन्होंने फ्रेश फंडिंग उठाई और जिन्होंने अभी तक ऑल्ट सीजन देखा नहीं है जिन्होंने जिनके टीम वाले हंगर है उनके अंदर में कि इस बार हमें वो पैसा बनाना है जो अपने आइडियो प्राइस से सिर्फ टू थ्री या फाइव एक्स पे अभी बैठे हुए और बाइनांस लॉन्चपुल में आके बैठे हुए और

So, अगर आपने 2020-21 में वन बी वाज वॉज अराउंड टेन ट्वेल्व डॉलर इफ यू इन्वेस्टेड टेन ट्वेल्व डॉलर इन बी अगर आपने उस समय सौ बी ले लिया होता बुल हाँ। साइकिल में सौ बी वाज वॉज अराउंड सिक्सटी थाउजेंड डॉलर जब छह सौ डॉलर का एक बी था, बिल्कुल सिक्सटी हाँ। थाउजेंड डॉलर का सौ बी होता और उस समय भी हमें BNB को स्टेक करने की वजह से एक्सी इन्फिनिटी जैसे और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले जिन प्रोजेक्ट्स ने भी 80x, 90x की आपके एट्टी फ्री एलोशन है तो मैंने तो उसमें 15,000, 18,000 डॉलर्स बनाया बाय जस्ट टेकिंग BNB एक प्रोजेक्ट है वैसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आए थे तो इस सीजन में अगर आप ऐसे कुछ एक्सचेंजेस को अक्यूमुलेट करोगे विच आर गेटिंग रियली गुड वॉल्यूम तो उसमें एक नाम है बाइबेट बाईबेट बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्ड कर रहा है तो बाइबिट का नेटिव टोकन इज हाँ, अगर आप उनको करो करो स्टेक करो उनके एक्सचेंज पे जिस दिन बड़ा होगा यू विल बी गेटिंग गुड एलोकेशन प्राइवेट सेल काइंड ऑफ एलोकेशन इन न्यू प्रोजेक्ट्स और वो प्रोजेक्ट जब बुल साइकिल में टेन ट्वेंटी फिफ्टी एक्स करते हैं तो आपका वो पचास डॉलर का एलोकेशन भी आपको दो हजार तीन हजार पांच पांच हजार डॉलर दे के जाता है बिल्कुल सो so, आपकी इन्वेस्टमेंट मेंटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा पांच सौ छह सौ परसेंट ये जो आपको फ्री एलोकेशन मिलेगी ये भी आपकी काइंड ऑफ फ्री मनी है okay. तो आप अलॉट ऑफ फ्री मनी मानते हो आहा. तो मेरे हिसाब से दिस बिडगेट भी ठीक कर रहा है सेकेंड नंबर में आएगा मेरे लिए एंड मेक्सी टोकन भी ठीक है बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज मेंटल दिस टाइम मैं बीएनबी के बाद जो एक्सचेंज टोकन सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहा हूं दैट इज बाईबिट का अपना नेटिव टोकन ओके परफेक्ट बाकी आपने बहुत सारे लोगों को रिसर्च करने के लिए इन्वेस्ट नहीं करनी है, अब right. के करनी है हमने बस अपनी अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करी है ठीक है ये बिल्कुल कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ठीक है तो उसको ध्यान रखिएगा अपनी रिसर्च जरूर से करिएगा क्योंकि तो बहुत लोग आपको फंसाते हैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ बहुत लोग व्यूज के चलते सिर्फ आपको बोलेंगे खरीदो खरीदो

कि बिटकॉइन का डंप आता ही आता है जब हालविंग के आसपास ठीक है ऑलवेज ब्रो ऑलवेज मैं अपने कम्युनिटी में हमेशा बोलता हूँ, नेवर बाय द ग्रीन डेज एग्री ग्रीन डे में कभी आपको खरीदना ही नहीं है हां hmm. आपको पता है कब खरीदना है जिस दिन मार्केट कोई वॉर के वजह से हो किसी ने फट डाल दिया कुछ भी हो गया hmm. जिस दिन मार्केट 10 15% का डंप लेती है दैट इज द डे टू स्टार्ट मेकिंग योर एंट्रीज

वो है नहीं। मैंने जब अपनी कम्युनिटी को बताया ना ये चीज कि यार डंप आ सकता है मेरे को ऐसे थोड़ा कि ये हाँ, होगा और लोगों को लगता है नहीं तुम तो बुलिश। तुम दूसरे सर के बुलिश बातें करो exactly. बातें करो ठीक है, है आप मुझे नहीं पता लोगों को नहीं पता होता कब बाय करते हैं कब सेल करते हैं तो बेस्ट टाइम क्या होता है बाय करने का सेल करने का

Easily profits मिला 30 का, तो करते लेके। हाँ। जिस दिन मार्केट में फर्ड आए वॉर आए यूएस मार्केट क्रैश हो कुछ भी हो हाँ। जिस दिन बीस परसेंट पच्चीस परसेंट डंप हो हाँ। भले से मार्केट 70 के जाए हाँ। लेकिन 70 के टच करके जब बीस परसेंट का पुल बैक आए हाँ। तब आप खरीदो बिल्कुल

दो चार टोकन उठाओ डंप का वेट करो समझो कि आपने उस समय देखा कि वन इंच बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बहुत अच्छा वॉल्यूम है अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैड न्यूज आई जैसे अभी पीप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बीटीसी हजार डॉलर गिरा पीप थोड़ा सा नीचे आया बीटीसी हजार डॉलर ऊपर गया पीप एक दिन में ग्यारह परसेंट गया ऐसे टोकन को ढूंढ लो बीटीसी उस समय भी नीचे आएगा भले वन के पे हो जैसे नीचे आएगा कोई बैड न्यूज में जैसे नीचे आया आपको अपने उस अच्छे टोकन में हाँ। सीधा बीस हजार डॉलर लगाया बीस लाख हाँ। जैसे वहां से बाउंस बैक हुआ एक दिन दो दिन में आपने पांच लाख बनाया हाँ। पांच लाख प्रॉफिट लो हाँ। प्रॉफिट डालो वापस एक करोड़ हाथ में लेके बैठ जाओ हाँ। उसके बाद आपको उस टाइप की ट्रेडिंग करनी है, पैसे है। जो आपका कैपिटल है वो आपके हाथ में होना चाहिए दस लाख से करोड़ बनाया करोड़ आपके कंट्रोल में होना चाहिए करोड़ मार्केट के हाथ में नहीं होना चाहिए जिस दिन मार्केट में एक बैड न्यूज आएगी मार्केट 40 परसेंट नीचे गिरेगी hmm. वो करोड़ सीधा 60 हो जाएगा। सो टेक करोड़ इन योर हैंड एंड देन अकॉर्डिंग टू कि आज ये टोकन अच्छा लग रहा है hmm. 25 25 लेट्स मिला लेके अपना प्रॉफिट निकल जाओकेट okay. जो आपने बनाया पांच लाख hmm. वो पांच लाख को लगाओ उस समय भी किसी मीम में बिल्कुल बट करोड़ का

या फिर जब बीटीसी का डोमिनेंस बिलो फोर्टी टू परसेंट आ जाए तीनों में से कोई भी चीज फैक्टर्स हो आई थिंक आई विल बी सिटिंग एट सेवन टू एट एक्स जिस दिन में सेवन टू एट एक्स यहां से और चाहिए मुझे ऑलरेडी आई एम सिटिंग एट थ्री एक्स अपने स्टार्टिंग के इस सीजन से सो सेवन एक्स एट एक्स और हो जाएगा यहां से आई विल एग्जिट टोटली उसके बाद मैं यही न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी के ऊपर अच्छे ब्रेकआउट्स

सात सौ सीधा बैंक अकाउंट hmm. बाकी का सातो का ऑल्ट कॉइन बाइंग ऑल्डक् रख लेता हूँ hmm. जो अच्छे ऑल्ट लगते उनमें और बाइंग बढ़ाता सो ट्रेड कर रहा मैं रेंज ट्रेडिंग की uh. मूव में लेवरेज के साथ खेला पांच सौ डॉलर बने टू फिफ्टी डॉलर इन द बैंक अकाउंट टू फिफ्टी बैक इन द मार्केट okay. तो इससे क्या है रियल मनी भी सेफ हो रही है मार्केट अगर तीन महीने बेयरिश होगी आई uh. डोंट नीड टू सेल माई क्रिप्टो फॉर माई लाइफ स्टाइल

<laughs> तो ये सब चीजें सीख सीख के बनाई कि जैसे जैसे आप कमा रहे हो रियल वर्ल्ड में निकालते जाओ अच्छा जी तो आपने बहुत सारी दुनिया भर की चीजें ट्राई करी क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करी करा मीम कॉइन एयर ड्रॉप कर रहे हैं आपके हिसाब से क्रिप्टो में कमाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है जिसमें आप सबसे ज्यादा पोटेंशियल देखते हो सो अकॉर्डिंग टू मी इफ यू इफ यू है ऑडियंस अगर आपके पास ऑडियंस है इफ यू आर लोगों के पास चलो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती तो नॉर्मल ऑडियंस अगर नॉर्मल ऑडियंस को देखते हैं पैसा अगर आपके पास कम है पांच सौ हजार डॉलर है जस्ट गो फॉर एड्रॉप हंटिंग एंड स्पॉट कॉइन में लगाओ सौ सौ डॉलर के आठ दस कॉइन अपने बेस्ट रिसर्च करके ओके बस और पहले उसको 2X होना दो जो हो जाता है तीन चार महीने में अभी आप सही टाइम पे बाइंग करोगे मे भी आप ऑगस्ट सेप्टेम्बर तक आपका टू हो जाएगा ओके, फिर उस टू को निकालो देन टेक सम रिस्क अपने टू वाले पैसे से बड़ा आपके करोड़ लगाना चाहते दो करोड़ लगाना चाहते हो गो फॉर अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सेवन थर्टीरियम सेल्ड क्वाइंस में सेम स्ट्रेटेजी टू एक्स टू पॉइंट फाइव एक्स देन स्टार्ट टेकिंग रिस्क ऑन मीम कॉइन्स फ्यूचर्स इन सब में मैंने अपने जर्नी के स्टार्टिंग के तीन चार साल फ्यूचर्स नहीं किया था अभी बता देता हूं सिर्फ स्पॉट किया था आप लोगों को रिकमेंड करो वो कर रहे हैं, फ्यूचर्स करना शुरुआत में नहीं रिकमेंड करता हूँ किसी कभी को भी नहीं, नहीं चाहिए फिर फ्यूचर्स फ्यूचर्स तभी करना चाहिए जब आप मनी फ्लो आपके पास फर्स्ट हाँ। थिंग कोई और बिजनेस आपको पैसा बना के दे रहा है जिससे आप रिस्क ले सकते हो हाँ। दूसरी चीज स्पॉट पे इन्वेस्ट करके आपने टू एक्स बना लिया देन यू कैन टेक सम रिस्क तीसरी चीज फिर भी करना है हजार डॉलर का पोर्टफोलियो है टू हंड्रेड से फ्यूचर स्टार्ट करो बिकॉज इन फ्यूचर्स इजिली इन वन मंथ You मेक टू एक्स दो का चार बनाओ फिर चार से आठ करो बट लोग क्या करते हैं लोगों को पांच दिन में पोर्टफोलियो बनाना चाहिए अच्छा जी अच्छा मुझे आप ये बताइए सिर्फ दस हजार रुपया पचास हजार रुपए से कोई बंदा क्रिप्टो में मिले बन सकता है क्या बन सकता है मैंने ऐसे लोगों को देखा बनते हुए बट इट इज वेरी यू नीड टू गिव लॉट ऑफ रिसर्च स्मार्ट लोग बन पाते हैं नॉर्मल लोग जो आलस जैसे रहते हैं खाली ग्रुप में आके पूछेंगे भाई कुछ बता दो नहीं बन सकते हैं मेरा एक फ्रेंड है डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनर उसने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था लाख दो लाख इन्वेस्टमेंट बट उसने अपना स्किल यूज किया क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही स्टार्टेड रीचिंग आउट टू अलॉट ऑफ पीपल

वो मेरे पास आया बोला कि सो एंड सो एबीसी प्रोजेक्ट आपके साथ काम करना चाहता है मेरे साथ डील क्रैक की 10 एक ग्राफिक डिजाइन किया उसको दो सौ डॉलर के मिले प्रोजेक्ट फिफ्टीन कर गया बड़ा बन गया पोर्टफोलियो ऐसे करके नाउ इन थ्री इयर्स ही इन सिक्स फिगर्स इन क्रिप्टो तो यू कैन यूज योर स्किल इन क्रिप्टो इफ यू डोंट हैव फंड्स आपके पास पैसा नहीं है आप स्किल यूज करो ना भाई आप मेरे पास ही आओ बोलो आपके लिए ग्रोथ लिए लिए कर सकता हूँ मैं आपके लिए मार्केटिंग कर सकता हूँ मैं hmm. आपके लिए एड्स रन कर सकता हूँ hmm. मेरे एड के थ्रू आपको और मार्केटिंग डील आ सकती है मैं आपके लिए प्राइवेट सेल डील ला सकता हूँ फॉर यू आप प्राइवेट सेल डील लेके आओगे मेरे लिए पैसा मैं लगा रहा हूँ उसमें बट अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट मेरे पास समझो टाइम नहीं है टू गो एंड चेज डाउन दैट प्रोजेक्ट मेरे पास टाइम नहीं है टू गो एंड फाइंड द फाउंडर उसके उसके साथ उसके साथ नेगोशिएट करना ग्रुप बनाना यू गो ऑन माई बिहाफ मेरे लिए डील क्रैक करो लेके आओ दस हजार डॉलर की डील लेके आओगे मेरे से कमाओ पैसा सो गिव योर टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग इन क्रिप्टो मार्केट एंड यू कैन ईजिली रोटेट दैट मनी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रिप्टो मिले बनने के लिए पैसा ही चाहिए स्किल यूज करो ऐसे लोगों को जो ओवर हंड्रेड के डॉलर मतलब वो वो एक करोड़ रुपया बना चुके हैं पिछले एक दो साल में विदाउट इन्वेस्टिंग जीरो मतलब जीरो इन्वेस्ट करके क्रिप्टो में करोड़ रुपए से ऊपर बनाया बाई जस्ट यूजिंग स्किल भाई वैल्यू प्रोवाइड करो लोगों को इफ यू गर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू एनी मिलियन एयर आप भी बहुत जल्दी एक अच्छे लेवल में पहुंच जाओगे

आप स्किल्स कर सकते हो मार्केट में बहुत बड़ी गैप है अभी देखो ना क्रिप्टो के अंदर हम भी जो कंटेंट बना रहे हैं क्यों बना पा रहे हैं लोग क्यों पसंद कर रहे हैं मार्केट में गैप है जो हम पूरी कर रहे हैं आप भी देखो आपकी कौन सी है। वो वाली आप में आते हो एनी थिंग exactly. you know हाँ। आप कुछ भी एक, एक गैप को फिल करने की कोशिश करो एंड अप्रोच द राइट पीपल यू लॉट ऑफ मनी वेब टू इंडस्ट्री है ट्रिपल चार्ज करते हैं यहाँ पे लोग आप जो वेबसाइट नॉर्मल इंडस्ट्री में बनाते हो बीस तीस हजार की वो वेबसाइट यहाँ पे लोग बनाने के लिए लाख डेढ़ लाख रुपए देते हैं हाँ। क्रिप्टो इंडस्ट्री में अच्छी वेबसाइट बनाओगे तो पांच लाख भी देते है हाँ। फॉरनर्स के लिए बनाओगे तो दस लाख भी देते हैं हाँ। जो चीज इंडिया में एक लाख में बनती है लोग दस लाख में बेचते है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो ये काम कर रहे हैं सो यू जस्ट नीड टू डू योर रिसर्च एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन क्रिप्टो इंडस्ट्री ओके बंदा दस हजार पचास हजार रुपए से भी क्रिप्टो में लेना बन सकता है कल को मैं आपको दस हजार पचास हजार रूपए देता हूँ आपका सारा कैपिटल आपसे ले लेता हूँ ठीक है आप कैसे स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो मिलने बनने का आपका प्रोसेस रहने वाला है आपके पास वही नॉलेज है, पैसे सिर्फ दस हजार पचास हजार बर्बाद हो चुका है मेरे पास नॉलेज हाँ। क्रिप्टो हाँ। 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 की बहुत आई एम स्किल्ड पर्सन इन क्रिप्टो वॉट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट एडिंग वैल्यू टू अदर पीपल सबसे पहला यही चीज है लोगों को सिखाना यूज माई स्किल एंड नॉलेज टू मेक पीपल लर्न एक तो सिखाने से मैं अपना पोर्टफोलियो बड़ा करूंगा जो मैं उनसे कुछ दस पंद्रह परसेंट अर्न करूंगा उनको सिखा के उसको मैं वापस अपना री इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं क्रिप्टो में ओके। दूसरी चीज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज मैं थोड़ा सा साइड कर सकता हूँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में जिनमें गैस फीस बहुत कम लगती है उनके एयर ड्रॉप को हंट करने में तीसरी चीज वू इज सेम डील क्रैक्स करना हुँ. मेरे को पता है कि मेरे को क्रिप्टो की नॉलेज है आई नो ये एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है समझो ब्लास्ट आ रहा है एंड ब्लास्ट का प्रोजेक्ट अच्छा है बट मैंने देखा कि ये इन्फ्लुएंसर ब्लास्ट के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा है हुँ. तो क्यों नहीं कर रहा है ये इन्फ्लुएंसर इतने अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में बात हुँ. जिस प्रोजेक्ट में इतना बिलियन डॉलर टीवीएल लग चुका है वॉट आई डू इज आई रीच आउट टू दैट इन्फ्लुएंसर उसको ब्लास्ट की टीम से कनेक्ट कराऊंगा उन दोनों के बीच में कोई कोलेब्रेशन कराने की कोशिश करूंगा

उन्होंने मुझे तीन सौ चार सौ डॉलर का टोकन दे दिया हाँ। हाँ। तब तो सीधा मैं एक लाख डॉलर दो लाख डॉलर बना सकता हूँ हाँ हाँ। वैसा भी होता है यहाँ पे यार मेरे साथ भी हुआ हुआ था था अभी रिसेंटली क्या एक को एडवाइजरी चाहिए थी इंडिया मार्केट में ग्रो करने के लिए एंड मैंने उनसे बस एक घंटे कॉल पे गया था एंड स्टार्ट में बहुत छोटा सा अमाउंट चार्ज करा उनसे कंसल्टेशन देने के लिए एंड वो इतना प्यारा पंप करा यही का जब ट्रेंड आया ना मजा आ गया मेरे को तो ये चीज होती है डेफिनेटली होती है मैंने खुद एक प्रोजेक्ट को रिफ्यूज किया था एक एआई टोकन आ रहा था जब अभी बहुत सारे एआई टोकंस आ रहे थे, जब बहुत सारे आ रहे थे। एक न्यू एआई टोकन आया था उन्होंने मुझे रीच आउट किया क्योंकि सब अपने नाम क्या है ना एआई लगा रहे थे तो भाई एक नया टोकन आया बोले कि न्यू टीम है एंड दे आर स्टार्टिंग ए एआई प्रोजेक्ट तो उन्होंने बोला कि आपको 0.5% सप्लाई देंगे अच्छा 0.5% 0.5% सप्लाई कि अगर आप हमें प्रमोट करो तो क्रेडिबिलिटी जुड़ रही है तो उनके पास कुछ पांच परसेंट सप्लाई टोकन थे आ, जो वो लोग इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड कर रहे थे अच्छे पॉइंट फाइव परसेंट सप्लाई दे रहे थे आ, मैंने रिफ्यूज कर दिया आ, यही बोल के कि अभी आप न्यू हो मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो सकती है सो आई रिफ्यूज देम दैट प्रोजेक्ट इज सिटिंग अराउंड हंड्रेड मिलियन और हंड्रेड मिलियन मार्केट कैप क्रेजी तो अगर ले लिया होता तो आज मतलब मिलियन डॉलर तो ऐसे ही बन गए होते तो वही छोटी छोटी चीजें क्रिप्टो अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है बस एक चीज दिमाग में डाल लो क्रिप्टो इंडस्ट्री स्टिल वेरी अर्ली क्रिप्टो इंडस्ट्री को पोन्जी स्कैम बोलना बंद करो नाइनटी परसेंट स्कैम होते हैं यहाँ पे बट यू इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू मेक मनी इन दिस इंडस्ट्री यू विल श्योरली मेक फाइव टू टेन टाइम्स मोर देन वॉट यू आर मेकिंग इन योर रियल लाइफ ओके

मैं दस अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पकड़ूंगा उनमें पैसा लगाऊंगा एंड आई विल वेट फॉर द राइट टाइम सो दैट वो टू थ्री एक्स हो mm. और फिर मैं अपना एक पैसा निकालू उसमें से समझो लाख रुपया निकालू mm. पचास हजार निकालू mm. वो जो रिस्की वाला फंड निकालूंगा वहां से फ्री मनी फ्री मनी mm. उससे फिर मैं फ्यूचर्स करूंगा फाइव सिक्स के पांच हजार छ हजार से एक ट्रेड लिया डबल करने टेन एक्स ट्वेंटी एक्स स्लो गेम इज द बेस्ट गेम

कैसे फाइंड आउट कर सके अपन और क्या उसमें फैक्टर्स देखने पड़ते हैं ब्रो देखो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो यही है कि उसके पीछे क्या कम्युनिटी है हाँ। आज के टाइम में अगर आप कितना भी बड़ा टैग बना लो इस इंडस्ट्री में हाँ। जब तक उसको लोग शिल नहीं करेंगे जब तक लोग प्रमोट नहीं करेंगे हाँ। वो टोकन ऊपर नहीं जाएगा हाँ। चाहे वो कितनी भी अच्छी यूटिलिटी हो सो ऑनडो ऊपर गया क्योंकि नाम जुड़ गया हाँ। ब्लैक रॉक जुड़ गया आ, तो शीलिंग होगी पंप हो गया वो अब देखो एक जोन टूट भी नहीं रहा है क्यों नहीं टूट रहा है आ, क्योंकि इस जोन में बड़े प्लेयर्स ने बाइंग बना ली है आ, सेलर्स छोटे हैं बड़े प्लेयर बाइंग बना के बैठ गए बड़े प्लेयर्स को 20-30 परसेंट में नहीं बेचना है वो लोग बेचेंगे दो साल बाद तीन साल बाद तो वो एक इसलिए ड भी कम होगा तो ऑंडो जैसे प्रोजेक्ट को अर्ली ढूंढने के लिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है आपको डीप रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसके पीछे टीम कौन सी है एंड हाउ मेनी सिर्फ फाउंडर्स मैटर नहीं करते आ, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मैटर करते हैं इन्फ्लुस okay. लेकिन कौन से लेवल के इन्फ्लुएंसर कुछ आपको देखना पड़ेगा उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है okay. कुछ doona, bro, example, बहुत सारे इन्फ्लुंसर है मैं नाम ऐसा नहीं लेना चाहता बट बट मैं एक बताना चाहता हूँ कुछ इन्फ्लुस होते हैं जो सिर्फ जो मार्केट में ट्रेंड हो रहा है खाली उनके बारे में बातें करते हैं कुछ होते हैं हैं जो रिसर्च बताते आ, तो आपको वो रिसर्च को पकड़नी है जो रियल बातें करते हैं अब प्रोटोकॉल के बारे में मैंने कब बात की थी जब सेवन एक्स डाउन था यहां से क्यों बात की थी बिकॉज मैं इतने साल से सा मार्केट में था आई वॉज फॉलोइंग सम ट्विटर ट्रेंड मैं कुछ लोगों को फॉलो कर रहा था मैंने देखा एटोर प्रोटोकॉल आया मैं देख रहा हूं देख रहा हूँ जीरो पॉइंट टू डॉलर से एक डॉलर पार हो गया मैंने कहीं पर यह भी रिसर्च किया कि कुछ इन्फ्लुएंसर जिनको मैं मिलता नेटवर्किंग करता उन्होंने आधा आधा मिलियन डॉलर का बैग खरीदा उस पर तो मुझे लगा कि कुछ तो बात है बड़ी प्लस जो मेरे नेटवर्किंग के लोग थे वो जानते थे उसके फाउंडर को कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है देन सडनली एक दिन मैंने देखा 1.1 पॉइंट वन डॉलर से हाफ सेंट आ गया सत्तर मतलब 100 परसेंट का अप्रोक्स डंप क्योंकि कुछ हैक हुआ ओके उस दिन मैंने फर्स्ट एंट्री बनाई उसमें

शार्क टैंक में जब आते हैं लोग तो शार्क क्या बोलते हैं वी आर पुटिंग मनी ऑन द फाउंडर टीम आइडिया प्रोडक्ट जो भी हो प्रोडक्ट घटिया हो उसको भी लोग बेच देते हैं हाँ। सेम क्रिप्टो में भी है फाउंडर हाँ। अच्छा है टीम अच्छी है हाँ। उसके बैकर्स अच्छे हैं उसको प्रोमोटर्स अच्छे है हाँ। तो घटिया चीज भी चलेगी प्रोमोटर्स हाँ। अच्छे नहीं है तो बड़ा सा बड़ा यूटिलिटी भी फ्लॉप है सब अच्छे से अच्छा टैग क्यों ना बनाओ फ्लॉप कुछ भी बना लो भाई मीम कोइन को देखो कुछ है कुछ नहीं है। सब सबसे वही देते क्यों क्योंकि हर बंदा पे सौ डॉलर का, का नहीं लगाओगे आपको लगेगा कि क्यों लगाना क्या ही कर लूंगा टू एक्स करके यही आपको बताऊंगा ये टोकन हंड्रेड एक्स कर सकता है सौ डॉलर लगा लोगे बोलोगे इस पर लगा लेते हैं क्योंकि डूबेगा तो सौ बनूंगा तो मिलियन तो ये स्ट्रेटेजी होती है इसीलिए आप लोग लगा लेते हो अच्छा तो इसीलिए वही सौ सौ लगते लगते ना वो टोकन पंप हो जाता है अच्छा तो आपके टॉप फाइव साइकिल को लेकर so मतलब मैं सबसे आई एम बुलिशक्स इको सिस्टम एंड आई थिंक एवैक्स इज अराउंडी सिक्स डॉलर राइट नाउ इजिली यहां से ट्वेंटी करो एंड दिस According to my research, this is token. Okay. उसके बाद एवैक्स इको सिस्टम के दो तीन टोकन पकड़ो uh -huh. जैसे लोगों ने देखा सोलाना जब पंप हुआ uh -huh. तो उसके साथ कर गया। uh -huh -huh. वैसे ही एवैक्स के अंदर के लोग दो तीन टोकन उठाओ जो उस इको सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टोकन है लाइक like जो, जो. Uh -huh. फिर उसके कुछ मीम कॉइन्स उठाओ uh -huh. ऐसे टोकन उठाओ नेक्स्ट टोकन इज फैंटम एफ टी उसके बाद आई इंजेक्टिव प्रोटोकॉल गेमिंग में नाका मोटो गेम्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर गेमिंग इंडस्ट्री में टॉप है पी वाई आर यह सब जो टोकन है इनमें मैं अभी रियल में मतलब बहुत ऑडी ओ आर डी आई बहुत लोग मतलब अभी बहुत अच्छे प्राइस में है थर्टी डॉलर ट्वेंटी डॉलर बहुत अच्छा प्राइस है उसको अक्यूमलेशन का बुलिश पर। भाई बी आर सी ट्वेंटी का ट्रेंड आना ही आना है अभी तो सिर्फ एक टीजर देखा था लोगों ने बी आर सी ट्वेंटी का आप लोग सब देख रहे हो बिटकॉइन के ऊपर में बहुत सारी चीजें बन रही है बी आर सी ट्वेंटी विल शाइन

फाइव थाउजेंड okay. जब होगा हुँ. जो होना है रैली अच्छा. नहीं देखी है एप्टॉस रैली नहीं देखी है डॉच क्विन बिल्कुल रैली आएगी अलॉट ऑफ रिटेलर्स गेट इन्वॉल्व इन डॉच कॉइन डॉट चेन में भी ध्यान देना डॉच चेन के कुछ टोकन है जो आप लोग पिक कर सकते हो विच कैन डू फिफ्टी टू हंड्रेड एक्स जब डॉज पंप होगा hmm. पैसा फ्लो होगा उसके इको में इको hmm. में फ्लो होगा hmm. तो डॉच कॉइन का टोकन है DINu. Okay. DINu उठेगा सबसे ज्यादा यूज होता है डॉच चेन के अंदर में okay. योडे उठेगा फ्लोकी गेमिंग में पी वाई आर बी आर सी ट्वेंटी का एक और मेन टोकन है मूवी एमयूबीआई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस डिप में भी नहीं गिर रहा है ऑलमोस्ट सत्तर परसेंट भी इस डिप में भी

बट अगर बड़ा डम मिलेगा भी 40 50% का तो मे बी यू कैन बाय इट टिया सेलेस्टियल सेलेस्टिया तो सेलेस्टिया आप बाय कर सकते हो ऑनडो अगर आपको 10 20% का डम मिले वो खरीदो एआई टोकंस में एफईटी एजिक्स ओशन प्रोटोकॉल इजी 200 500% बनाने वाले टोकंस टाओ सो देयर इज अ टोकन कॉल्ड टाओ टीएओ 350 400 डॉलर के आसपास का चल रहा है बिग वेल्स ेशन कर रही है सेफ टोकन है आई वोट से बट आने वाले तीन से चार महीने में मे बी इट कैन डू टू एक्स तीन सौ चार सौ का मे बी वी कैन सी अराउंड एट हंड्रेड नाइन हंड्रेडर्स एंड मैंने ऑलरेडी बता दिया एन रून आई एम बुलिश अबाउट रून क्योंकि रून की एक सिंपल स्ट्रेटेजी है थॉर चेन इज अ गुड नेटवर्क बट अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन रून की हाई बन रही मार्केट में hmm. तो बहुत लोग रून को खरीद लेते हैं तो उसकी वजह से रून में भी पंप आ रहा है रेगुलर एंड आई थिंक दिस कैन डू टू रून ओके okay. तो ये भी एक है हमने उसमें एंड गेमिंग में नाका मोटो गेम्स hmm. पी वाई आर hmm. केम okay. ये मेरे गेमिंग येमिंग टॉप बाइस है हाँ. अच्छा जी अगर मैं सिर्फ लो कैप की बात करूं जिन पांच लो कैप कॉइन जिन पे आप सबसे ज्यादा बुलिश हो पांच लो कैप टोकन ओके सो अगर आप लो कैप की बात करो तो अभी जिनमें मैं एक्यूमलेशन बना रहा हूँ लो कैप टोकन में दैट इज एक तो प्लान

टेलीग्राम कम्युनिटीज बहुत स्ट्रॉग होती है की. हाँ. उनको ट्विटर रेड करने में हेल्प करता है यह प्रोजेक्ट okay. अभी बहुत लोगों को नहीं पता है सोलह हजार यूजर्स है बट टोकन होल्डर्स दो हजार है तो हाँ. so जिस दिन वो हाई बिल्डअप होगी इट विल डू रियली वेल उसके बाद एक स्पूकी करके टोकन है स्पूकी स्वॉप एफ टी चेन जिस दिन बड़ी होगी दिस स्पूकी स्वॉप बी उसका टिकर साइन है बी फॉर बॉल बी दिस विल डू गुड उसके बाद अगर आप देखो एक सीटस करके सीई टी यूएस का सुई नेटवर्क का दैट इज ऑल्सो वेरी गुड लो कैप जेम एंड मेटल करके एक ब्लॉक है मेटल सो दैट इज वेरी गुड तो ये कुछ लो कैप जेम्स है जिनमें मैं जिनमेंट कर रहा हूं एंड आई थिंक वन मोर टोकन इज को डाउ को के इकोसिस्टम में बहुत डेवलपमेंट हो रही है सीओ okay. आर -E, तो उनमें जब 10-20 परसेंट का डम मिले यू मस्ट एक्यूमिलेटेड

विफ में किया ऑंडो में किया आ, पीप में किया क्यों क्योंकि उसमें वॉल्यूम हाई थी डेड टोकन नहीं है डेड रहेंगे तो बीटीसी गिरेगा तो नीचे भी तेज है रिकवरी बहुत स्लो होती है हाई वॉल्यूम वॉल्यूम टोकन जिनमें आज अग्रेसिव आ रही है उनमें क्या रेंज फाइंड करना इजी होता है जैसे बीटीसी गिरा बीटीसी का सपोर्ट इधर एक चैनल पे खोल के रखा हुआ है दूसरे स्क्रीन में पीप खुला हुआ है सामने अपना समझो आप शॉर्ट हो लेकर एवरेज ट्रेड लेते हो मैं हजार की लेता हूँ जैसे

बीटीसी ने चार सौ डॉलर उठा बी टी पीप मेरा पांच परसेंट उठ गया hmm. कितना हुआ टेनेक्स लेवल से पचास परसेंट hmm. हजार डॉलर का ट्रेड खोला पांच सौ डॉलर बन गया विद इन टेन टू फिफ्टीन मिनट्स तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है दिस इज द स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी यू हैव टू फाइंड द हॉट टोकन ऑफ द डे आपको हॉट टोकन ढूंढने हैं आपको उनके लेवल मार्क करने हैं कि कहां पे उनके हाई क्योंकि जब भी कहीं पर भी कोई ऑर्डर लिक्विडेट होता है बड़ा वहां से एक मूवमेंट मिलती है टोकन में चाहे बीटीसी में भी देख लो हम लोग क्यों बात करते हैं कि ये लिक्विडेशन जोन तक जा सकता है वहां दो बिलियन का लिक्विडेशन है क्यों है दो बिलियन का लिक्विडेशन हंट होगा तो मार्केट मेकर्स के पास कुछ फंड के पास पैसा आता है तो कोशिश की जाती है कि वहाँ पे बहुत लगी लोग एग्रेसिवली वेट कर रहे हैं जैसे फिफ्टी की विक लगेगी जो लॉन्ग ट्रेडर्स है जिन्होंने 62 से लॉन्ग किया हुआ उनका स्टॉप लॉस भी टूटेगा बिल्कुल टूटेगा तो उनका ऑर्डर बंद होगा और जो बायर्स है वहां पर उनका बाई ऑर्डर लगेगा Okay. तो इसलिए हमें वहां से क्विक बाउंस बैक मिलता है डॉलर okay. so हाँ। हाँ। अच्छा, हाँ। स्पॉट पे हाँ। वो पॉजिटिव मनी फ्लो है नेगेटिव मोमेंटम की तरफ जा रहा है तो मोमेंटम पता करना होता है उससे आप ट्रेड का मोमेंटम डिसाइड करते हो कि अभी आपको लॉन्ग्स लेने या आपको शॉर्ट्स लेने और उसके साथ साथ स बाकी फियर मार्केट की न्यूज ये सब चीजें मैटर करती है पैटर्न उसके बाद भी पैटर्न्स भी मैटर करते हैं कि राइजिंग वेज बन रहा है आरएसआई बुलिश है कि नहीं।, नहीं।, नहीं तो ये तीन चार चीजें आप एक साथ कॉन्फ्लुएंस मैच करो समझो मैं लॉन्ग लेना चाह रहा हूं यहां से तो मैं देखता हूं लिक्विडेशन जोन मैच हो रहा है कि नहीं पिछली बार जब ये इस जोन में आया था समझो आज पीप की बात कर ले जीरो पॉइंट का रेंज था तो जीरो से कितनी बार पहले भी यहां से बाउंस बैक हो चुका है लास्ट एक हफ्ते में वो देख लिया अगर उस जोन से बार बार बाउंस बैक हुआ है तो मतलब पक्का वहां पे बाई ऑर्डर्स लगे हुए हैं हाँ। तो वो जोन को आप मार्क करो हाँ। उसके बाद देखो कि चार्ट्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी वो जोन में अच्छा बन रहा है कि नहीं हाँ। कहीं वीकली मतलब वो कोई वीक जोन तो नहीं बन रहा है फिर वहां पे आप देखो आर अभी कहाँ पे है हाँ। फिर ऑल्ट के साथ मैच करो कि बीटीसी कहाँ पे है कहीं ऐसा पीप भले सपोर्ट पे बन रहा है बट उस समय अगर क्या बोलते हैं आपका बीटीसी रेजिस्टेंस पे है टॉप पे जहां से लग रहा है कि यहां से रेजिस्टेंस जोन है एक सेल ऑफ आ सकता है तो आपका ऑल्ट को लेने का सेंस नहीं बनता है तो हर चीज को मैच करो

तो कर देंगे सीधा एक बीटीसी का लॉन्ग कर देंगे ऑल्ट क्विं का बोलूंगा तो कर देंगे सीधा सिक्स हंड्रेड मार्जिन टेन एक्स ट्वेंटी एक्सर तो, तो क्या उसमें क्या होता है? है मार्केट अगर दस परसेंट का भी डंप देता डे एस एल नहीं लगाया तो पूरा हजार डॉलर वाइप आउट बट द रियल स्ट्रेटेजी इज थाउजेंड डॉलर इसको बताता हूं अच्छे से सो द रियल फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज जिसमें आप कभी जल्दी लिक्विडेट नहीं होगे इफ यू हैव थाउजेंड डॉलर इन वॉलेट थाउजेंड डॉलर है

तो इसमें जब आप क्रॉस में ऐसे ट्रेड करोगे मार्केट समझो अगर तीन परसेंट स्टॉप लॉस ले गया हंड्रेड डॉलर का ट्रेड था अगर तीन परसेंट ऊपर जाता जो सेटअप बनाते हम वो बनाते हैं रिस्क तो टू रिवॉर्ड रेशियो तो अगर यहां से एंट्री ले रहा हूं तो मेरा टारगेट है कि छह से नौ मेरा बने

और मुझे दिल से लगता है कि लोगों को मजा आया होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा आप करते हो क्रिप्टो से, प्यार तो आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो ये दो पॉडकास्ट तो और ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स के साथ शूट करी है तो जल्दी से यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा क्योंकि और भी शानदार पॉडकास्ट आने वाली है